गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारे संग हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर दानिश, जो कि हमें एजुकेशन के बारे में जानकारी देंगे। तो सर, आपका इस बारे में क्या राय है? मैं भी एक स्टूडेंट हूं आपकी तरह, और मैं आपको एजुकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। एजुकेशन हमारे जीवन का आधार है। हमें अच्छा सभ्य इंसान बनने के लिए बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो मिस्टर दानिश, आप हमें बताइए, एजुकेशन का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो मिस्टर पांडे, हमारा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। यदि व्यक्ति को अच्छा जीवन और सभ्य इंसान बनना है, तो उसे समाज में एजुकेशन शिक्षा प्राप्त करनी बहुत ज़रूरी है। यदि व्यक्ति शिक्षित और सभ्य नहीं होगा, तो वह समाज में अच्छा जीवन और अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। अगर उसे समाज में रहना है और समाज के तौर तरीकों के साथ चलना है, तो उसे एजुकेशन प्राप्त करनी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना देती है। क्या आप जानते हैं कि बच्चों को हम शुरू से स्कूल में भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं? ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके और समाज में उन्नति कर सके। यदि बच्चे आज बड़े होकर समाज में उन्नति करेंगे, उसी से हमारे देश का विकास होगा। यदि बच्चों को ही हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे देश की उन्नति में बाधा पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो मिस्टर दानिश, आप हमें बताइए कि हमें अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? तो जैसा कि मिस्टर पांडे आपने पूछा कि हमें अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए, जहाँ तक कि मेरा अनुभव कहता है कि हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। मेरे बचपन में मैंने देखा था कि जब हम स्कूल जाते थे और स्कूल से वापस आते थे, तो घर पे हमें आते ही हमारे पेरेंट्स हमसे पूछते थे, बेटा क्या करा तुमने, फर्स्ट आए सेकंड आए? पड़ोस में जाते हैं तो पड़ोसी पूछते हैं कि बेटा फर्स्ट आए सेकंड आए? स्कूल में जाने के बाद टीचर पूछते हैं कि फर्स्ट आए या सेकंड आए? कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है? सब ये सोचते हैं कि ये एक रेस है और इसमें दौड़ाया जाए, और बच्चे की फिर मेंटलिटी ये बन जाती है कि वो सिर्फ ये सोचता है कि मेरे माँ बाप कहते हैं कि फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, तो वो सिर्फ ये सोचता है कि सबको पीछे छोड़ के मुझे आगे निकलना है। फिर वो किसी की अच्छाई बुराई का ख्याल ना करते हुए सिर्फ उस दौड़ में दौड़ने लगता है। अब ये देखा जाता है कि अगर कोई इंसान पढ़ रहा है, उसे सर्टिफिकेट मिल गया, तो क्या उसमें नॉलेज आ गई? नहीं, नॉलेज लेनी पड़ती है, उसमें सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है हर चीज़ को। अब ये आपने 3 इडियट तो फिल्म देखी होगी, उसमें देखा कि एंड में पता चलता है रेंचो तो वो था ही नहीं आमिर खान, तो डिग्री किसे मिली? रेंचो को। पर बड़ा वैज्ञानिक कौन बना? आमिर खान। क्यों? क्योंकि उसने डिग्री नहीं, शिक्षा प्राप्त की थी, और शिक्षा प्राप्त करके वो एक बड़े मुकाम पर पहुंच गया। तो इसीलिए हमें डिग्री के पीछे ना भागकर, फर्स्ट आने का ना सोचकर, सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हमें शिक्षा कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी, और अच्छी शिक्षा पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने चाहिए। मिस्टर दानिश, अब हमें ये बताइए, हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए अच्छे टीचरों का प्रबंध करना चाहिए, जिससे, और टीचरों को भी कमज़ोर बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि टीचरों की गलतियों को नज़रअंदाज ना करते हुए उन पर एक्शन लिया जाए। मिस्टर दानिश, जो पेपर लीक हुए थे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो पेपर लीक हुए हैं, इसमें सारी गलती एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मिस्टर दानिश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गौरव और भारत के साथ हिमांशु और दानिश।